हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स थी इनकी कैंटीनों की, और अभी आपने इसके कैमरे के शॉट ली है, वैसे ही जनरल क्लीनलीनेस इनकी जो ना बहुत अबतर है। हॉस्पिटल का कैंटीन हो अगर वो इस तरह है, जहाँ पे आपके बहुत सारे पेशेंट्स हैं, ठीक है ना, इस दफ़ा में कोई इम्प्रूवमेंट नोटिस जो है ना वो जारी कर रहे हैं विद मिनिमम फाइल, और इंशाल्लाह इसको वार्न करेंगे, नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको देखेंगे तो इसमें काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट्स आएंगी, ठीक है ना। हमने तकरीबन कोई 130 से ज़्यादा जो है ना शॉप सील किए हैं उनको, और तकरीबन कोई 80 से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नोटिसेस दिए हैं कि लोग इम्प्रूव करें अकॉर्डिंग टू द लॉ, और सील भी किए हैं ताकि मिनिमम से इनको पनिशमेंट मिले, ताकि अकॉर्डिंगली ये लोग इम्प्रूव करें। काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स ने अपने आप को इम्प्रूव किया। हॉस्पिटल के में बहुत सारी कंप्लेंट्स थी, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ पेशेंट्स के और जितने भी हमारे यहाँ पे गेस्ट हैं पेशेंट्स के साथ, उनको ताकि तकलीफ ना हो, इस चीज़ की वजह से मैं इनको सील नहीं कर रहा हूँ, इंप्रूवमेंट नोटिस दे रहा हूँ। इंशाल्लाह विद इन 3 डेज इंशाल्लाह की सफाई के कंडीशंस हम दोबारा देखेंगे, और आई एम इंश्योर करेंगे कि ये बेहतर होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। बिल्कुल एग्जैक्टली, हम तकरीबन 30 लाख से ज़्यादा जो ना अब तक जो है ना डिफरेंट लोगों को फाइंस कर चुके हैं, डिफरेंट लोगों को करा चुके हैं, और उन्होंने वो पेनल्टीज जो है ना वो हमारे जो गवर्नमेंट का एक्सचेकर है उसमें जो ना वो ऐड भी कर दिए हैं। चलता रहेगा, पर्सनल हाइजीन के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे हम लोग, बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी, सीवरेज वाटर बहुत बड़ा इशू है, अलहमदिल्ला हमने काफ़ी सारे एरियाज़ को, नौसार है ऑलमोस्ट उनका पानी हमने कम्प्लीटली बंद कर दिया है, उनकी वेजिटेशन विद इन 1 वीक ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि पानी नहीं मिलेगा तो उनको इंशाल्लाह अज़ीज़ वो खुश्क हो जाएगा। सिमिलर जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी के, जो अपना एक डिज़ाइन है, हम एक मॉडल किचन हम डिज़ाइन करेंगे, और फिर लोगों की ट्रेनिंग्स, ये दो एक सेगमेंट्स जो है ना जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उनके लिए हम रखेंगे, जिसमें हॉस्पिटल है, बाकी जितने भी होटल्स हैं वो सारे के सारे इंक्लूडेड है। मॉडल किचन के ऊपर हम काम कर रहे हैं कि इंटरनेशनली एक मॉडल किचन कैसे होना चाहिए, विद इन दी कॉस्ट, छोटे से कॉस्ट के अंदर एक अच्छा सा हम किचन डिज़ाइन करेंगे, वो किचन डिज़ाइन करेंगे किसी एक आध होटल में रखेंगे, फिर डिफरेंट जितने भी रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन से उन सबको बुलाएंगे ताकि उस किचन को वो फॉलो करें, और पर्सनल हाइजीन के अकॉर्डिंगली वो लोग ख्याल रखें, तो इंशाल्लाह हमारे डिज़ाइन में हम लोग उसको करेंगे। सेकेंडली इंशाल्लाह हमारे बहुत सारे डिज़ाइन हैं सोशल अवेयरनेस के लिए, इंशाल्लाह हम लोग वॉक्स भी करेंगे, हम अपना लिटरेचर भी इंशाल्लाह शाया करेंगे, वो इंशाल्लाह विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इंशाल्लाह आता रहेगा। फूड अथॉरिटी ने इसके ऊपर अभी तक काम स्टार्ट नहीं किया है, हम सिर्फ अभी इनिशियली सीवरेज वाटर और दूध के साथ इंशाल्लाह हम थोड़ा सा कुछ अरसा उसके ऊपर काम करेंगे, इंशाल्लाह जितने भी तंदूर वाले हैं उनकी तरफ हम डाइवर्ट होंगे बहुत जल्दी इंशाल्लाह। तो पिछले 3 महीने से हम बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी की ऑपरेशनल टीम ने कंपेन चला ली शहर में, आज हम लोगों ने कार्रवाई की, हमें खुफिया इतला मिली थी कि सिवाल हॉस्पिटल की कैंटीन वगैरह में बहुत ज़्यादा गंद है, और जिना रोड के कुछ होटल्स हैं वहाँ पर गैर मरारी खुराक तैयार हो रहा है, तो हम लोगों ने आज ऑपरेशन स्टार्ट किया, कुछ को हम लोगों ने नहीं वार्निंग जारी किया थे, और एक होटल हम लोगों ने सिवल रेस्टोरेंट को सील किया था, अभी इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे कोमल फूड पॉइंट जो है कवारी रोड के बिल्कुल स्टार्ट में, उसको हम लोगों ने गैर मयारी और अनहाइजीनिक कंडीशन के बेस पे उसको हम लोगों ने सील किया, और इंशाल्लाह हमारा वादा है आवाम के साथ कि बहुत जल्द विद इन 6 मंथ्स में हम लोगों में पूरे कोटा शहर में इंशाल्लाह ये हर किसी के पास हम लोग ने पैगाम पहुँचाएंगे कि आवाम को साफ और शफाफ खुराक मिल जाए, और होटल वालों से हमारी नई रिक्वेस्ट है कि काइंडली अपने आप की होटल की सफाई करें, उसके बाद ही पर्सनल हाइजीन पे बहुत ज़्यादा नहीं फोकस करें।